सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक होगा फिजिक्स क्लास ट्वेल्थ का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड डीबी ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल एट ए डिस्टेंस आर एंड एलिमेंट करंट आई ईच। कह रहा है कि मान लो अगर ये कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है जिसका एक स्मॉल लेंथ लेते हैं हम डीएल, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, तो पूछ रहा है बताओ एट ए डिस्टेंस आर पर पॉइंट पी पर अगर मैग्नेटिक फील्ड डीबी की वैल्यू कितनी होगी। साथ में ये एंगल होता है हमारा यहाँ थीटा। तो हमें पता है कि अगर सिर्फ बात करता मैग्नीट्यूड का तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो एंगल कहीं नज़र नहीं आ रहा है हमें थीटा, लेकिन अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें किससे और डिवाइड करें आर से, तो इसे लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा। अब आर ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे हो बन जाएगा अब आर क्यूब। इस पूरे चीज़ को हम सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल इंटू आर साइन थीटा, डी एल इंटू आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। अब देखो डी एल आर साइन थीटा को क्या सकते हो, इस चीज़ को आप चाहो तो लिख सकते हो, तो ये हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा। ये होता है हमारा डी एल क्रॉस आर, यानी वैक्टर फॉर्म में डी एल आर साइन थीटा हो सकते हैं डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये हो जाता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। तो देखो ऐसा फॉर्म कहाँ आपको नज़र आ रहा है सही से, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वेक्टर फॉर्म हमसे पूछा गया है तो वेक्टर फॉर्म में ये होता है। अगर आपसे पूछा जाता ओनली स्केलर फॉर्म, ठीक है, यानी अगर सिर्फ उसकी बात की जाती मैग्नीट्यूड के बारे में, तो इस चीज़ को हम कहते हैं ये स्केलर फॉर्म है, यानी ओनली मैग्नीट्यूड है। ये क्या है हमारा, ये ओनली मैग्नीट्यूड है। बातों को अच्छे से ध्यान रखना है, ये हमारा वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर वेक्टर का साइन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है एम्पियर सर्किट लॉ इज गिवन बाय, ठीक है, एम्पियर सर्किट लॉ किसके द्वारा, यानी उसका जो करेक्ट एक्सप्रेशन है वो क्या होना चाहिए। तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है, एम्पियर सर्किट लॉ होता है कि मान लो अगर यहाँ से करंट आई फ्लो कर रहा है तो इसके एट ए डिस्टेंस आर पर क्या कहते हैं, एक आर रेडियस वाला एक एम्पियर सर्कुलर लूप क्या कहते हैं, ड्रॉ करते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एम्पीरियल लूप। ठीक, इसे क्या पता चलता है, इससे हमें एट ए डिस्टेंस आर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये हम कैलकुलेट करते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसका होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड। ठीक है, आई इनक्लोज मतलब हमें कौन सा करंट लेना है, हमें करंट वो लेना है जो इस लूप के अंदर है। जैसे सपोज मान लो कि अगर एक करंट बाहर ही फ्लो कर रहा होता मान लो आई टू, तो यहाँ पर हम नेट करंट इस लूप के अंदर कौन है, तो इस लूप के अंदर जो मेन करंट है वो सिर्फ आई है। आई वन आई टू करंट कहाँ है, आई टू करंट लूप के बाहर है, तो आई टू को हम कंसिडर नहीं करेंगे, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर टू। ठीक है, तो ये वर्ड भी ध्यान रखना, आई इनक्लोज होना चाहिए, यानी लूप के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर थ्रू विच करंट आई फ्लो इच। ठीक है, क्या लिखा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, मान लो अगर ये हमारा एक सर्कुलर कॉइल है तो इसके सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यानी अगर इस सर्कुलर लूप का रेडियस आर है और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इसकी वैल्यू आई है, तो आप क्या पता है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 आर। ठीक है, ये होता है हमारा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, यानी एट ओ पर।
अब देखो यहाँ से ये कैसे डिपेंड करता है आई पे, तो बी है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है और ये बी है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो देखो करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है यहाँ पर, तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट है, ये भी नहीं, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, हाँ ये सही है, ठीक है नहीं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, ऑप्शन नंबर थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन वन एंड ऑफ ए सोलेनॉइड हैविंग एन टर्न्स पर मीटर लेंथ एंड कैरिंग ए करंट ऑफ आई एम्पियर इज गिवन बाय। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास एक सोलेनॉइड है, ठीक, सोलेनॉइड क्या होता है, यानी किसी रॉड के ऊपर या फिर किसी हॉलो चीज के ऊपर आप एक वायर रैप कर दो इस टाइप से, ठीक, इस टाइप से वायर रैप कर दिया हमने, और वायर रैप करने पर क्या करते हैं, इस पर से हम कोई करंट फ्लो कराते हैं आई, तो क्या बनता है, इसके इंटरनल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी कैसे होता है वो आपको पता होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से बनती है, ठीक। तो कह रहा है किस पॉइंट पर हमें फाइंड करना मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी एट ए पॉइंट ऑन वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है, वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड यानी सोलेनॉइड के किसी एक एंड पर, यानी हो सकता है हमसे इस पॉइंट पर पूछा जाए, पॉइंट ए पर पूछा जाए या पॉइंट बी पर पूछा जाए, बताओ ये एंड पॉइंट्स है, ठीक है, इनसाइड पूछा जाता तो हमें पता है, वहां से पूछा कहाँ गया है, वन ऑफ द एंड पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एंड पॉइंट, याद रखना एट एंड पॉइंट्स यानी एंड पॉइंट्स पर कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई बाई टू, ठीक है, कितना होता है म्यू नॉट एन आई बाई टू, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर टू। अच्छा इनसाइड पर कितना होता, यानी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, ठीक है, इनसाइड के किसी भी पॉइंट पर पूछा जाता तो उसकी वैल्यू होती ओनली म्यू नॉट एन आई, हमसे पूछा कहाँ गया था एट वन एंड, तो वन एंड पर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, यानी ऑप्शन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर फाइव, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड, अभी मैंने बताया था फॉर्मूला याद करो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड कितना होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक, जहां पर एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, स्मॉल एन क्या होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज कैपिटल एन डिवाइड बाय टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, यानी मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाई कैपिटल एल, ठीक। अब देखो क्या क्या लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, नहीं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ये सही है, ठीक। ऑप्शन नंबर थर्ड चेक करते हैं क्या है सही था होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, टोटल नंबर टर्न्स को ही हम कहते हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को ही हम कहते हैं कैपिटल एन, तो ये इनवर्सली नहीं डायरेक्टली डिपेंड करता है, और फोर्थ ऑप्शन था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि करंट पे डिपेंड करता है ये डायरेक्टली, यानी ऑप्शन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर सिक्स है लॉरेंज फोर्स क्या होता है, तो आपने मॉडल सेट में भी देखा होगा, मैंने पहले बताया था कि हमारा जो लॉरेंज फोर्स होता है वो होता है सम ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस मैग्नेटिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का सम होता है, ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते थे, इसको डिनोट करते थे एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी, ठीक है, ये इसका आता है वेक्टर फॉर्म, और ये वेक्टर फॉर्म में ही एडिशन होता है इनका, ठीक है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इट इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है, चार्ज पार्टिकल कैसा होना चाहिए, वो मूव करना चाहिए, और किस किस का सम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है हमारा क्यू ई एंड मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू इंटू वी क्रॉस पी, यानी ऑप्शन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर सेवन,
Which of the following is the correct expression for magnetic field on the axis of a circular current loop with x-axis at its axis? कह रहा है मान लो अगर ये लूप होता हमारा, ठीक, तो इसका ये सेंटर से एक लाइन क्रॉस करता जो इसका एक्सिस होता, ठीक है, तो कह रहा है इस पॉइंट पर एट ए डिस्टेंस x और ये इसकी रेडियस अगर r है और इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो अगर I है, तो बताओ इस एट ए डिस्टेंस x तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता। फिर द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन याद क्या करेंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 होता है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, मैग्नेटिक फील्ड का भी जो डायरेक्शन होता है वो अलोंग एक्सिस ऑफ द लूप ही होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा x एक्सिस के अलोंग ही बनेगा, यानी आई कैप आएगा यहाँ पर। देखिए ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिख रहा है द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए मूविंग चार्जेस। बताओ वर्क डन कितना करना पड़ता है, तो वर्क डन कितना होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है, क्यों होता है या कितना होता है? तो देखो जब भी अगर ये हमारा है एक मूविंग चार्ज जो इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इस पर फोर्स दे लगता है, इस पर फोर्स लगता है वो हमेशा अंदर की ओर लगता है मैग्नेटिक फोर्स, और हर एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी होती है इस टेंजेंट के अलोंग, ठीक। अगर इस पॉइंट पे बात करोगे तो फोर्स लगेगा अंदर की ओर सेंटर की ओर, और इसकी जो वेलोसिटी होगी उस पॉइंट पर वो इधर होगी। तो पूछता बताओ वर्क डन कितना करना पड़ता है, तो वर्क डन होता है यहाँ पर होता है जीरो। अब पूछो क्यों वर्क डन जीरो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, दिख रहा है हर जगह फोर्स क्या है, जो मैग्नेटिक फोर्स वो हमारा वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसलिए यानी यहाँ भी एंगल 90 बनता है, यहाँ भी एंगल 90 बनता है, हर पॉइंट पर कितना होता है परपेंडिकुलर होता है। और जब भी फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन हमेशा जीरो होता है। ये आप थोड़ा सा कंसेप्ट है क्लास 11th का सर्कुलर मोशन चैप्टर। ऐसा क्यों होता है जीरो होता है, क्यों, क्योंकि बिकॉज फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना अच्छे से, वर्क डन हमेशा जीरो होता है, इसलिए आपने कभी भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में वर्क के बारे में नहीं पढ़ा होगा क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स कभी वर्क करता ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एनर्जी इन ए करंट कैरिंग कॉइल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, ठीक, अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल है इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, तो किस फॉर्म में होता है, इसमें जब ऐसे करंट फ्लो करता है तो सोलेनोइड हमने पढ़ा है क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, क्या होता है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। तो हमारा इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। जस्ट लाइक कैथेटर में क्या होता है, कैथेटर में एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिमिलरली करंट कैरिंग कॉइल में जो करंट में जो एनर्जी स्टोर होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट डज नॉट डिपेंड ऑन, ठीक है, एक करंट कैरिंग लूप है वो एक कहाँ पर रखा हुआ है, वो रखा गया है एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर लगने वाले टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू होता है आई ए क्रॉस बी, ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहाँ पर एक लूप है सिंगल लूप है तो टॉर्क हो जाएगा आई इंटू ए क्रॉस बी। अभी किस पर डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड हमसे पूछा नहीं करता है, एरिया पे करता है, हाँ एरिया पे करता है, एरिया पे भी करता है, और संबंधी वैल्यू ऑफ करंट उस पर भी करता है, बी पे भी करता है, किस पे नहीं करता, शेप ऑफ द लूप।
ठीक है, ये शेप पे डिपेंड नहीं करता, वो किस टाइप का शेप है वो सिर्फ डिपेंड करता है उसका एरिया कितना है उस पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड कभी नहीं करेगा कि उसका वो किस शेप का है, बस उसका एरिया पता होना चाहिए। ठीक है, अगर एरिया हो सकता है 100 मीटर स्क्वायर हो, अब वो 100 मीटर स्क्वायर किसी का भी एरिया हो सकता है, वो स्क्वायर का भी हो सकता है, सर्कुलर लूप का भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी आप एक ट्राइंगल का भी एरिया हो सकता है। तो ये सिर्फ एरिया पर डिपेंड करता है, उसके शेप पर डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन 11, ए चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट देन द, कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, ठीक है, मूव्स थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट। मान लो एक हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मतलब अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। कह रहा है एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, मान लो क्यू चार्ज है, वो वी के स्पीड से एंटर करता है, तो इस पर फोर्स लगता है, तो इस पर जो फोर्स लगता है जब ये एंटर करेगा अंदर, तो फोर्स कहाँ लगता है, फॉर्मूला से याद रख लो, एफ इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, आप राइट हैंड रूल यूज करना, फोर्स का डायरेक्शन किधर आता है, ऊपर की ओर आएगा फोर्स। ठीक है, हाथ को कर्ल करके देखना, थंब किधर आता है, थंब ऊपर आता है और थंब हमें बताता है हमें फोर्स के डायरेक्शन को। तो क्या होता है, क्या क्या होना चाहिए, देन वेलोसिटी रिमेन अनचेंज, क्या उसकी स्पीड में चेंज आता है। सेकंड ऑप्शन है स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज, डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज एंड एक्सेलरेशन रिमेन्स अनचेंज। इसमें कौन सा चीज़ है जो चेंज नहीं करता है, ठीक है, तो उसकी क्या उसकी वेलोसिटी चेंज करती है, तो याद रखना वी वेलोसिटी चेंज करता है। पूछोगे कि नहीं करता है, क्यों नहीं, हम पूछते हैं स्पीड क्या है, अनचेंज्ड है, ठीक है, स्पीड अनचेंज होता है, वेलोसिटी चेंज करता है। अब पूछो क्यों सर, उसकी वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं आता है, चेंज आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी में होता है डायरेक्शन भी होता है, तो डायरेक्शन तो चेंज का हर एक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर देखो पार्टिकल घूम जा रहा है, यानी पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी भी चेंज करेगा। ठीक है, क्या चेंज करेगा, वेलोसिटी, स्पीड अनचेंज होगी, क्यों, क्योंकि स्पीड होता है ओनली मैग्नीट्यूड, और उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, सिर्फ उसका चेंज होता है वो डायरेक्शन, तो क्या अनचेंज होगा, उसकी स्पीड, डायरेक्शन भी चेंज होती है, एक्सेलरेशन रिमेन अनचेंज, क्या एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, क्यों, क्योंकि हर एक डायरेक्शन पर फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर देखोगे तो हमेशा सेंटर की ओर लग रहा है, तो क्या हो रहा है, फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, तो कौन चेंज नहीं होगा, स्पीड। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड वी, इट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, द रेडियस ऑफ सर्कल इज प्रोपोर्शनल टू। एक इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी स्पीड वी, और एक प्रोड्यूस कर रहा है, इट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, उसका रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो आर इक्वल टू क्या होता है, एम वी बाई क्यू बी। ठीक, आर इक्वल टू होता है हमारा एम वी बाई क्यू बी, तो देखता होगा यहाँ रेडियस किस पे डिपेंड करता है, रेडियस डिपेंड करेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, ये हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यू हो जाएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी बाई बी, तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी यानी इसका जो रेडियस है, रेडियस प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेलोसिटी बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल है हमारा रेडियस वेलोसिटी बाय मैग्नेटिक फील्ड, यानी करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4। आते क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू ट्रेवल्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बी, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज। कह रहा है एक पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, जिसकी रेडियस आर है,
इस पार्टिकल पे चार्ज क्यू है, मास एम है, ठीक। और ये कहाँ पर है? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, ये घूम रहा है ऐसे। तो पूछा बताओ जब वो कंप्लीट चक्कर, एक चक्कर लगाएगा, मतलब मान लो अगर उसने ए पॉइंट से स्टार्ट किया और वापस फिर से ए पॉइंट पर आ गया, तो पूछा बताओ उसको टाइम कितना लगेगा, जिसे हम कहते हैं टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। तो टाइम टेकन कैसे निकालेंगे? टाइम टेकन इक्वल टू हो जाएगा हमारा टोटल का पैरामीटर 2πr डिवाइड बाय इसकी वेलोसिटी, यानी 2πr बाय v, इससे निकल जाएगा टोटल हमारा टाइम। मान लो अगर वो v की स्पीड से घूम रहा है, ठीक है, वो अगर v के स्पीड से घूम रहा है तो पूरा पाथ लेंथ कितना हो जाएगा सर्कल का 2πr, उसका पैरामीटर डिवाइड बाय वेलोसिटी कर लेंगे तो हमें टाइम आ जाएगा। लिख सकते हैं 2πr बाय v, ठीक। अब देखो मैंने भी कुछ फॉर्मूला बताया था, r इक्वल टू मैंने बताया था अभी एम वी बाई क्यू बी, तो यहाँ से r बाय v के लिए क्या हो जाएगी m बाई क्यू बी, ठीक। लिख सकते हैं इस वैल्यू को, यहाँ रखते हैं तो हो जाएगा 2πm बाई क्यू बी, ठीक है, ये आ गया हमारा टाइम पीरियड 2πm बाई क्यू बी, यानी करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर 3। इसे 1 कर लो, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 14, टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी कैरिंग ए करंट आई ए इन द सेम डायरेक्शन दे विल। फिर से हमारा आपने क्वेश्चन मॉडल पेपर में देखा होगा, कह रहा है दो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है जिसमें दोनों में करंट फ्लो कर रहा है आई, दोनों के बीच में जो सेपरेशन वो है डी, लॉन्ग है, पैरेलल है, और किधर करंट फ्लो कर रहा है? सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो बच्चा बताओ पहली बात ये क्या करेंगे सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं बताओ जल्दी से, ये करते हैं अट्रैक्ट, यानी सेम डायरेक्शन में करेंगे अट्रैक्ट, यानी फोर्स तो होगा अट्रैक्टिव नेचर का, यानी अट्रैक्ट करेंगे इच अदर, और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 2πd, इस फोर्स से वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वैसे इसे हम फोर्स पर यूनिट लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो कितने फोर्स से करेंगे म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 2πd, और क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, यानी यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर हमारा 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है ए चार्ज क्यू इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी वी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड बी, फोर्स ऑन द चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक। अगर बात करो मैग्नीट्यूड की तो इसको लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। चार्ज क्यू है, वेलोसिटी बी वी हमें गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, लेकिन एंगल कितना है वो चेक करते हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए। तो एंगल लिखा है वेलोसिटी वी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड बी इधर है तो वेलोसिटी बी सेम डायरेक्शन में, क्योंकि पैरेलल है, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया 0 डिग्री, यानी थीटा कितना है यहाँ पर सेम डायरेक्शन में, तो एंगल 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी फोर्स उसमें कितना लगेगा 0, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन में 16 है, ये मैंने क्वेश्चन दिया आपको ग्राफ का क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से करना। लिखे द करेक्ट प्लॉट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वर्सेस डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ द थिक वायर इफ रेडियस ऑफ वायर इज आर। कह रहा है वायर मान लो कुछ बहुत थिक वायर है, इस टाइप का वायर है जिसका रेडियस कितना है, रेडियस है आर, ठीक। तो पूछ रहा है बताओ कि इसमें करंट ग्राफ क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, यानी करंट कहाँ से फ्लो कर रहा होगा, करंट पूरे वायर से फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस पूरे से करंट आएगा, करंट कहाँ से, पूरे वायर से, थिक है ना, पूरा सॉलिड वायर है, सॉलिड वायर है तो पूरे से करंट आएगा। तो अब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो देखो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगा, जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड पहुंचे किसी इंटरनल पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा,
इसके सरफेस बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा और बाहर कोई पॉइंट सी लो तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करता है। तो बी की वैल्यू जब ए पॉइंट पर होता है तो इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट आई आर बाई 2πr², जहाँ r होता है रेडियस। जब वे पॉइंट ए की बात करेंगे, जब बात करोगे पॉइंट बी की यानी मैग्नेटिक फील्ड एट बी, तो वैल्यू होती है म्यू नॉट आई बाई 2πr। और जब आप बात करोगे मैग्नेटिक फील्ड एट सी यानी बाहर किसी पॉइंट पर बात करोगे तो वहाँ पर वैल्यू हो जाती है म्यू नॉट आई बाई 2πr। तो यहाँ से क्या लिखेगा कि जब इंटरनल पॉइंट, अगर पॉइंट ए अंदर है तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। ठीक, यहाँ पर ये कांस्टेंट होता है क्योंकि यहाँ सारे वैल्यू कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट, रेडियस भी कांस्टेंट। ठीक, और जब बात करोगे बाहरी पॉइंट यानी किसी बाहरी पॉइंट की बात करोगे तो वहाँ जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करता है रेडियस पे इनवर्सली। ठीक, इसका ग्राफ क्या होता है, डायरेक्टली का ग्राफ ये होता है बी इज प्रोपोर्शनल टू आर का ग्राफ। और ये ग्राफ होता है जब बी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी सरफेस तक क्या डिपेंड कर रहा है, सरफेस तक है ये डायरेक्टली, उसके बाद ग्राफ जाएगा ऐसे फॉल। ठीक, तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। कब, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, सरफेस पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है हमें, उसके बाद ग्राफ क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये एक चीज़ यानी ऑप्शन नंबर बी। याद करके जाना, नहीं समझ पाओ तो याद जरूर कर लेना। आते क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी यानी मैग्नेटिक फील्ड बी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए स्टेडी करंट वेरीज विथ आर। ठीक, कह रहा है कि मान लो अगर एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक, इसमें से करंट अगर आई फ्लो कर रहा है तो इसके एट ए डिस्टेंस आर पर मैग्नेटिक फील्ड बी और आर में रिलेशन क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट आई बाई 2πr। यहाँ से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बी वो कैसे वेरी कर रहा है आर पे, डिपेंड कर रहा है 1/r। अभी मैंने ग्राफ बताया था बी जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो तो ग्राफ कैसा बनता है, ऑप्शन नंबर सी इनवर्सली का ग्राफ है ये। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए पोर्शन ऑफ ए कनेक्टिव वायर इज बेंट इन फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर एज शोन बिलो इन फिगर, एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल द मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी। यानी कि हमें से वायर है जो सेमी सर्कुलर लूप का बना हुआ है, तो पूछा बताओ इसके सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो एक चीज़ बताते हैं, याद रखना फॉर्मूला बहुत काम आता है। अगर एंगल थीटा हो, ठीक, और उसमें से करंट आई फ्लो कर रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर यानी ओ पर जो बनता है उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट बाई 2πr, मिनट आई बाई 2πr इंटू थीटा बाई मिनट आई बाई 2, ऐसे लिखते हैं मिनट आई बाई, अगर रेडियस इसका आर है तो होता है मिनट आई बाई 2r इंटू थीटा बाई 2πr। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला याद रखना। तो अब बताओ सेमी सर्कुलर लूप है तो थीटा कितना हो जाएगा, अगर लूप इस टाइप से है तो सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है वो 180, यानी थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा पाई। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी मी नॉट आई बाई 2r, थीटा की वैल्यू हो गई पाई डिवाइड बाई 2πr, पाई से पाई कैंसिल, वैल्यू कितनी आएगी म्यू नॉट आई बाई 4r। ये होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला किसके लिए, सेमी सर्कल के लिए। अब पूछोगे सर ये स्ट्रेट वायर भी तो है कुछ पार्ट, यहाँ भी तो करंट फ्लो कर रहा है, इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा होगा। ठीक, तो देखो ये जो लाइन है ये इस लाइन से क्रॉस कर जा रही है,
ठीक है, इस पॉइंट से क्रॉस कर जा रहा है ये लाइन, जो करंट आई आ रहा है उसको अगर आप आगे बढ़ाओ तो ये पॉइंट ओ से क्रॉस कर जा रहा है, तो जिस पॉइंट पर हमें निकालना मैग्नेटिक फील्ड वो इस लाइन के एक्सिस में आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के चलते यानी इन दो पॉइंट के चलते मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा जीरो, यानी और ये जो स्टार्टिंग का जो स्ट्रेट वायर का पोर्शन है उसके चलते भी हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड जीरो। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई फोर आर। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, देखो अब देखो कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर फोर। देखो ऑप्शन में कन्फ्यूज क्या किया गया है, म्यू नॉट, अब यहाँ से पाई से, पाई से कैंसिल कर लेते हैं, तो इसको तो ऐसे लिख सकते थे ना, म्यू नॉट आई बाई फोर आर आ गया ये आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये ऑप्शन दिया हुआ था, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा फोर हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है एक करंट आई फ्लोज एक्ट अलोंग द लेंथ ऑफ ए इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट थिन वॉल्ड पाइप। ठीक है, कैसा पाइप है, थिन वॉल्ड पाइप, यानी अब जो यहाँ पर मैं वायर ले रहा हूँ वो कैसा वायर है, थिन वायर है और हॉलो है, ठीक है, इन्फाइनाइट है, यानी करंट कहाँ फ्लो करेगा, करंट निकलेगा सिर्फ इसके सरफेस से। ठीक, कैसा वायर है, थिन वायर है और कैसा है, होलो, यानी बीच में क्या है, बीच में खोखला है, खोखला है तो अंदर कोई करंट होगा नहीं, करंट कहाँ होगा, सिर्फ सरफेस से घूम रहा होगा। ठीक, जैसा कैसा होता है, जैसे देख लो आप एक ड्राम, ड्राम क्या होता है, अंदर से खोखला होता है, तो उसका करंट फ्लो करा होगा तो कहाँ करंट फ्लो करेगा, उसका सिर्फ सरफेस से। ठीक है, इस टाइप से तो पूछे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ क्या होगा, तो देखो अंदर में कोई करंट है, बी की वैल्यू अंदर में हो जाएगी जीरो, क्यों, क्योंकि करंट है जीरो, अंदर तो खोखला है, तो अंदर खोखला है तो अंदर कोई करंट नहीं, करंट नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जीरो होगा, सिर्फ अंदर होगा, बाहर मैग्नेटिक फील्ड, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा, सिर्फ अंदर होगा। ठीक है, यानी इनसाइड, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जीरो, क्यों, क्योंकि अंदर कोई करंट नहीं है इसलिए। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द पाइप इज जीरो, ऑप्शन नंबर फोर। ठीक है, सिर्फ अंदर जीरो होता है, बाहर जीरो नहीं होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर फोर आपका सही होगा। आते हैं लास्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है एक करंट ऑफ आई एम्पीयर फ्लो अलोंग एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर ऑफ रेडियस ए। द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द सिलेंडर एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर इच। क्या कह रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर वायर है, कैसा, इनफाइनाइटली है, इसका लेंथ मतलब इनफाइनाइट लेंथ है। कह रहा है इसके सेंटर से एट ए डिस्टेंस एक्स पर, अगर इसका रेडियस अगर ए है, तो पूछे तो एट ए डिस्टेंस एक्स, यानी एक्स मान लो ये पॉइंट पी, इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तभी मैंने दो तीन क्वेश्चन पहले बताया था कि इनसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, और वायर कैसा भी याद रखो, सॉलिड वायर है, मतलब करंट पूरे से फ्लो कर रहा है। ठीक है, दो क्वेश्चन पहले मैंने बताया था कि जब सॉलिड वायर होता है तो करंट पूरे सरफेस से क्रॉस करता है, पूरा फुल फील्ड है ना ये, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आता है, म्यू नॉट आई एक्स बाई टू पाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये किसके लिए होता है, ये इनसाइड पॉइंट के लिए होता है। तो हमसे इनसाइड पॉइंट से पूछा गया था बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई एक्स बाई टू पाई ए स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर टू हमारा सही होगा। जीरो कब होता, जीरो तब होता जब ये वायर क्या होता, हॉलो होता, लेकिन यह वायर क्या दिया हुआ है, लॉन्ग सॉलिड ना, स्ट्रेट सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई एक्स बाई टू पाई ए स्क्वायर। तो चलो ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि था हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ चैप करंट पे, जिसमें हमने डिस्कस किए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब एक बात और कि अगर आपने हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन से कलेक्शन, और हमारा जल्दी आएगा पूरे फिजिक्स का शॉर्ट रिवीजन, हर चैप्टर का शॉर्ट रिवीजन, ठीक, वो जल्दी हमारे चैनल पे आएगा। तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करो, ताकि उनको भी इनका बेनिफिट्स मिल सके। और जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि हर वीडियो का जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल सकता है, और आपके जो भी डाउट्स है वो आप हमारे टेलीग्राम
ग्रुप में आकर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और इसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।